नमस्कार, डीआरबी न्यूज में आप सभी का मनपूर्वक स्वागत। आषाढ़ी एकादशी के अवसर पर आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। विठोबा, विठ्ठल या पांडुरंग, ये एक हिंदू देवता है जिनकी पूजा मुख्यतः महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में की जाती है। आमतौर पर उन्हें भगवान विष्णु या उनका अवतार कृष्णा के रूप में माना जाता है। महाराष्ट्र में आषाढ़ी एकादशी का विशेष महत्व है। पंढरपुर के विठोबा मंदिर को महाराष्ट्र के लोगों का श्रद्धा स्थान मानते हैं। मराठी वर्ष में आषाढ़ महीने की शुद्ध पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को आषाढ़ी एकादशी या देवशयनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। महाराष्ट्र के कोने कोने से लाखों श्रद्धालु विठ्ठल नाथ का जप करते हुए पैदल वारी जाते हैं। आषाढ़ी एकादशी के दिन आलंदी से ज्ञानेश्वर, देहू से तुकाराम, त्र्यंबकेश्वर से निवृत्ति नाथ, पैठण से एकनाथ और उत्तर भारत से कबीरा की पालकी पंढरपुर आती है। माना जाता है कि यह वारी 800 से अधिक वर्षों से चली आ रही है। कम से कम एक बार पंढरपुर आने का आग्रह किया जाता है। आषाढ़ी एकादशी सुनते ही सबसे पहले दिमाग में आता है वो है पंढरपुर की वारी। साल में 24 एकादशियों में से इस एकादशी का बहुत महत्व है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन के व्रत में सभी देवता की महिमा एकत्रित होती है। इसके बारे में बताने से ज्यादा इसका अनुभव करना अद्भुत है। सदियों से पुरानी इस परंपरा का अध्ययन देश में ही नहीं विश्व स्तर पर भी हो रहा है। वारी का अनुभव करने के लिए विश्व स्तरीय चिकित्सक और शोधकर्ता वारी में भाग लेते हैं। यह वारी उन्हें अद्भुत आनंद देता है। इस दिन वारकरी चंद्रभागा नदी में स्नान करते हैं और विट्ठल के दर्शन लेते हैं। जो लोग वारी नहीं जा सकते वे इस दिन उपवास करके विट्ठल की विधिवत पूजा करते हैं। डीआरवी न्यूज के तरफ से आप सबको आषाढ़ी एकादशी की बहुत 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 शुभकामनाएं। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।